उत्तर प्रदेश के बरेली के भोजपुरी से, जहां एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा विधायक शाजल इस्लाम पर लगे हैं आरोप। विधायक के ड्राइवर से मारपीट धमकी देने का आरोप लगाया। विधायक पर एससी/एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बरेली पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। तो ड्राइवर द्वारा आरोप लगाया गया है, विधायक के ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही विधायक पर एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बरेली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोजीपुरा से सपा के विधायक हैं शहजिल इस्लाम और उनके खिलाफ उन्हीं के ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवा दी कि विधायक साहब उसके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और एससी/एसटी एक्ट के तहत इस ड्राइवर ने, इस शख्स ने जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, विधायक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो सपा विधायक की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, जिन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट की, अभद्रता की और इसके बाद ड्राइवर ने विधायक के खिलाफ बाकायदा थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। क्या मामला था आज आप यहाँ कोतवाली आए हो? अब शहजिल इस्लाम की मैं गाड़ी चलाता था 5-6 महीने से। परसों रात 11 बजे करीब मैं इनको लेने गया था जंक्शन पर, ट्रेन लेट होने के कारण। वहीं मैं और सलीम गनर वेट करते रहे गाड़ी में बैठे। सुबह 6 बजे करीब गाड़ी आई और जब ये आए गाड़ी के पास तो इन्होंने झूठते